देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से रेगुलर डिग्री पाने के लिए किसी भी छात्र को 75% अटेंडेंस हर सब्जेक्ट में लेना अनिवार्य है। अगर कोई भी छात्र 75% अटेंडेंस किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लेता तो ना तो वो यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठ सकता है और ना ही वो रेगुलर डिग्री ही पा सकता है। पर बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रशिक्षण संस्थान ही बच्चों को शिक्षण देने में असमर्थ रहें, उनके लिए लेक्चरर प्रोवाइड करने में असमर्थ रहें, क्लासेस लगाने में असमर्थ रहें, तो ऐसे में दोषी कौन है? वो बच्चे जिन्होंने फीस दी, जिन्होंने दाखिला लिया, जो क्लासेस लगाने आए पर क्लासेस नहीं लगी, या फिर वो सिस्टम, वो प्रशिक्षण संस्थान के वो अधिकारी जो उन बच्चों के लिए एक लेक्चरर लगाने में, उन बच्चों को क्लासेस देने में असफल रहे। आप देख रहे हैं द खबर स्टार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर मनदीप सिंह। एक ऐसा ही मामला, हैरानीजनक मामला और शर्मनाक मामला सामने आया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला भी जुड़ता है देश में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ की श्रेणी में रखने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ। खैर, इस मामले में बातचीत करेंगे, हमारे साथ आज मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर आर के सिंगला जी। सबसे पहले स्वागत करेंगे, सिंगला साहब बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सिंगला साहब, एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें कि पता चला है कि सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं यूजीसी की पॉलिसीज़ की भी, नॉर्म्स की भी। क्लासेस में बच्चे तो पहुंच रहे हैं पर टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, और रिजल्ट भी आ रहा है। हाँ, ये एक्चुअली है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ 204 अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और 6 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, और जो अब जो यूजीसी के नियम हैं वो ये कहते हैं कि एक सेशन में कम से कम 180 दिन क्लासेस लगाना अनिवार्य हैं, और उनमें से जो स्टूडेंट्स हैं उनको 75% अटेंडेंस जरूरी है। अब रियलिटी में क्या हो रहा है ये तो शायद किसी को ना पता चलता। वो तो बाई चांस मेरे को शक पड़ा, किसी ने बताया, मैंने आरटीआई डाली, तब मुझे 2 कॉलेजों में आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी और दोनों में ये निकल के आया कि वहाँ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि जब एक भी टीचर कॉलेज के पास नहीं है तो क्लासेस कैसे लगी, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस किसने लगाई, और वो एग्ज़ाम में कैसे अपीयर हुए, क्योंकि अटेंडेंस असेसमेंट यूनिवर्सिटी को भेजी जाती है। अगर टीचर ही नहीं था तो असेसमेंट किसने भेजी, और बिना टीचर के यूनिवर्सिटी ने उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे एक्सेप्ट किया और उनको क्लासेस में बैठने दिया। तो ये जो 2 कॉलेजेस हैं, ये हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के 6 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने बताया, उनमें से 2 हैं, एक है पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बलाचौर और दूसरा है गुरु हर सहाय फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। सिंगला साहब, जैसे आपने कहा है कि आपने आरटीआई डाली, तब जाकर के पता चला भी ये चल क्या रहा है, तो आपने आरटीआई में पूछा क्या था और जवाब क्या आए हैं? मैंने इनसे बड़े सिंपल सवाल पूछे थे जी, दोनों कॉलेजेस में, एक कॉलेज के लिए हिंदी टीचर के लिए और दूसरे के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए, कि क्या आपके पास इस सब्जेक्ट का एक भी टीचर है, अगर है तो उसका नाम बताया जाए, अगर नहीं है तो क्या उनकी अटेंडेंस लगी है, किसने लगाई है, क्या उनकी असेसमेंट लगी है, किसने लगाई है, इन सवालों का जवाब दिया जाए। दोनों कॉलेजेस ने ये माना है कि बलाचौर वाले कॉलेज में हिंदी का और फिरोजपुर वाले कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का एक भी टीचर नहीं है। उन्होंने ये भी मान लिया कि क्योंकि टीचर नहीं तो अटेंडेंस भी नहीं लगी, लेकिन यहाँ तक असेसमेंट का सवाल है, उन्होंने कहा है कि असेसमेंट वगैरह लगाई गई है, यूनिवर्सिटी को भेजी गई है और उनके 20-25 पेजेस मुझे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और जब पूछा गया कि असेसमेंट किसने लगाई तो उन्होंने जवाब दिया है ऑफिस स्टाफ ने। अब ऑफिस स्टाफ में पियन, क्लर्क, सुपरिटेंडेंट होते हैं जिनका सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। कितनी हैरानी की बात है कि ऑफिस स्टाफ के क्लर्क जो है वो हिंदी और पॉलिटिकल साइंस की अटेंडेंस लगा रहे हैं, और जबकि इसमें मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में टीचर्स लगते हैं उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, एपीआई स्कोर है, जिसके बेस पे किसी भी सब्जेक्ट में टीचर नियुक्त होता है, जबकि क्लर्क, चपरासी या ये स्टाफ तो 10वीं से प्रमोट होकर भी लग सकता है। तो एक 10th 12th पढ़ा क्लर्क, पियन या कोई भी ऑफिस का स्टाफ किसी टीचर की जगह कैसे ले सकता है और उसकी जगह पे कैसे असेसमेंट लगा सकता है? तो ये बड़े छानबीन का विषय है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बिना टीचर क्लर्कों या ऑफिस स्टाफ के द्वारा लगाई गई असेसमेंट कैसे एक्सेप्ट कर ली, और अगर टीचर नहीं थे, अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, तो वो कौन से रिकॉर्ड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के पास जिनके बेस पे उन्होंने जो एक्सेप्ट किया कि क्लासेस बकायदा 180 दिन लगी हैं और 75% अटेंडेंस की शर्त विद्यार्थियों ने पूरी की है। तो सिंगला साहब, इसके लिए
जिम्मेदार कौन है और जवाबदेही किसकी बनती है? दोनों कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को ही पूछा जाए, प्रोफेसर सतीश कुमार बलाचौर कॉलेज के और डॉक्टर सुनील खोसला जो फिरोजपुर का कॉन्स्टेंट कॉलेजेस है, क्योंकि बिना टीचर के उन्होंने ये कोर्स कंडक्ट कैसे किए और कैसे अटेंडेंस और असेसमेंट को मैनेज किया, तो सीधे जवाबदेही उनकी बनती है। तो इस बारे में हमने बात की डॉक्टर सतीश कुमार जी से, जो पीयू कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बलाचौर के मौजूदा प्रिंसिपल हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप ध्यान से जरूर सुने। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर, प्रिंसिपल सतीश कुमार जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर, तुसी पीयू कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बलाचौर तो? नहीं, मैं हाँ ठीक है, मैं है तो उसे तो ये पर तो काम दोस्तों मैं तुसी कौन बोल रहे हो ते मैंनू प्लीज। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, सर, मैं सर ठाकुर अमनदीप सिंह गल कर रहे हैं जी, चंडीगढ़ तो जर्नलिस्ट। सर, मैं एक न्यूज कवर कर रहा सी, थोड़ा वर्जन मैं रिकॉर्ड करना है। सर थोड़े इतने बलाचौर कॉलेज दे विच ना जून 2022 तो हिंदी का कोई भी टीचर नहीं है, तो मेरा सवाल यह है कि बिना टीचर तो क्लासा कौन ले रहा है जी, अटेंडेंस कौन ला रहा है, ते असेसमेंट कौन लगा रहा है? नहीं देखो, ऐसे है, मैं तो अभी मेरे को एडिशनल चार्ज दिया यूनिवर्सिटी ने। ओके, तो एडिशनल चार्ज मेरे को अभी दिया, ठीक है ना, तो मैं आगे देखता हूँ आगे क्या होता है। सर, मेरा एक मेरा आखिरी सवाल कि क्या बिना अगर टीचर के रेगुलर डिग्री दी जा सकती है बच्चों को, अगर क्लासेस लगी ही ना हो, अटेंडेंस ना लगी हो सब्जेक्ट की? ये मेरे को नहीं पता, ये आप प्रिंसिपल ना सर, सर एक जनरल सवाल है, सर एक जनरल सवाल है, बिना क्लासेस लगे क्या डिग्री रेगुलर दी जा सकती है? ये तो आपको कंट्रोलर से पूछना चाहिए कि कंट्रोलर पेपर कंडक्ट कराता नहीं कराता, मेरा तो नहीं बनता राइट, नहीं जुटाने का आपको। तो ये थे डॉक्टर सतीश कुमार जी। उसके बाद हमने बात की डॉक्टर सुनील खोसला जी से, जो इस वक्त गुरु हरसहाय फिरोजपुर में जो पीयू कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है उसके प्रिंसिपल हैं। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है वो ध्यान से सुनिए, और ये भी याद रखें कि इससे पहले वो पीयू कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बलाचौर में प्रिंसिपल थे। सुने क्या कहा है उन्होंने। हेलो, हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, हाँ जी, डॉक्टर सुनील खोसला जी। हाँ जी, हाँ जी सर, कैसे हैं? मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ से जर्नलिस्ट। सर, मैं एक न्यूज कवर कर रहा था, आपका वर्जन लेना है। सर, एक मेरा छोटा सा सवाल है, पीयू कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज गुरु हरसा है फिरोजपुर में आप प्रिंसिपल के तौर पे हैं इस वक्त? हाँ जी, हाँ जी सर, यहाँ पर जून 2022 से पॉलिटिकल साइंस के टीचर नहीं है, तो उनकी एब्सेंट में अटेंडेंस कौन लगा रहा है, क्लासेस कौन ले रहा है और असेसमेंट कौन लगा रहा है? सर, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, आई हैव टू से, सॉरी, I have recently joined. I have to see to this. Okay, चलिए, आपने सर इससे पहले मेरे ख्याल से बलाचौर में थे आप? हाँ जी, हाँ जी सर, बलाचौर का बता दीजिए फिर, वहाँ पे हिंदी के टीचर नहीं है जून 2022 से। आप बलाचौर में कॉल करो ना सर, आप वहाँ बलाचौर में कॉल कीजिए, आपको यहाँ का पता नहीं है। तो ये थे डॉक्टर सुनील खोसला, जिन्होंने फिरोजपुर के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के बारे में जवाब देने से तो मना कर दिया, ये कहकर कि मैंने अभी ज्वाइन किया है। चलिए, सर को इतना तो शायद पता होगा कि उन्होंने सैलरी लेनी भी शुरू कर दी है, पर जवाबदेही कब से होगी यही बता देते। पर जब हमने कहा कि चलो बलाचौर में आप पहले थे वहाँ बता दीजिए, क्योंकि हिंदी के टीचर तो वहाँ भी नहीं थे, तो वो फ़ोन काट कर भाग गए। तो सिंगला साहब से पूछेंगे, सिंगला साहब, आपने डॉक्टर सतीश कुमार का वर्जन भी सुना है और डॉक्टर सुनील खोसला जी का भी सुना है, क्या कहेंगे? यहाँ तक तो डॉक्टर सुनील खोसला का संबंध है, तो भागना इनकी पुरानी आदत है। पहले जब बलाचौर में बैकडोर अपॉइंटमेंट का मामला उजागर किया था तो वहाँ भी ये सवालों से भागते थे, तो इनका तो भागना पुरानी आदत है। देखा जाए कि यहाँ इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्योंकि रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, वहाँ इनकी जवाबदेही नहीं है क्योंकि वहाँ प्रेजेंट डायरेक्टर बताएंगे। तो अब सवाल पैदा होता है कि जून 2022 से अब तक 3 सेमेस्टर्स में सैलरी तो इन्होंने ली है, जवाबदेही इनकी किसी भी इंस्टीट्यूट की नहीं, ना पुराने की ना नए की, कितनी हैरानी की बात है जी। यहाँ तक संबंध है डॉक्टर सतीश कुमार का, तो उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है, और यहाँ तक 75% अटेंडेंस का सवाल है ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बताएंगे। अब कितनी हैरानी की बात है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ ये बताएंगे कि 75% अगर अटेंडेंस है या नहीं है तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का क्या स्टेटस है। हम पूछ रहे हैं कि अगर टीचर नहीं है और क्लासेस नहीं ली तो क्या 75% अटेंडेंस के बिना बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हैं या नहीं, क्या 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है या नहीं। तो अगर कॉलेज के प्रिंसिपल्स को ये भी नहीं पता कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है या नहीं, उसके बिना वो एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं स्टूडेंट्स,
कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ही बताएंगे, तो कितनी हैरानी की बात है कि ये कैसे कॉलेजेस को चला रहे होंगे, क्योंकि इनको निजमों का और उनकी अनिवार्यता का ही पता ही नहीं है। सर, खोसला साहब की बात एक बड़ी अजीब लगी जब उन्होंने कहा कि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो मतलब कि इनडायरेक्टली वो ये कह रहे थे कि मेरी जवाबदेही अभी नहीं है। हाँ जी। तो पहले वालों से पूछ लीजिए, मतलब मैं तो अभी आया हूँ। हाँ जी। तो जब जहाँ पर वो पहले थे यानी कि बलाचौर में, हाँ जी, उस सवाल पे तो भागे गए वो। हाँ जी। मतलब कितनी हैरानी वाली बात है, खोसला साहब पहले भी जैसे सर ने कहा है वो भागे थे सवालों से, जब बैकडोर एंट्री पर हमने सवाल किए थे बलाचौर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में। अच्छा, खैर, अभी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से पूछने के लिए कहा है डॉक्टर सतीश कुमार जी ने, तो यूनिवर्सिटी में किस किस की जिम्मेवारी बनती है अगर हमने बात करनी हो तो? नहीं, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में पूछने से पहले एक डॉक्टर एन आर शर्मा है जो पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज फिरोजपुर गुरुहर साहिब जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ प्रिंसिपल रहे हैं। उस टाइम भी ये प्रिंसिपल थे जिस टाइम मैंने आरटीए में जवाब मांगा था, और इन्होंने ही जवाब दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि जवाब इन्होंने दिए हैं, वो जो डेढ़ साल का समय है उस टाइम ये प्रिंसिपल रहे हैं और खुद पंजाब यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी यानी कि सेनेट के भी मेंबर हैं, तो अच्छा होगा कि इनसे भी पहले पूछा जाए। चलिए, इसके बाद हमने बात की डॉक्टर एन आर शर्मा जी से जो फॉर्मर प्रिंसिपल हैं पीयू कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज गुरुहर साहिब फिरोजपुर के, उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार वो भी ध्यान से जरूर सुनिए। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, डॉक्टर एन आर शर्मा जी से बात हो रही है मेरी? बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून, ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ सर, चंडीगढ़ से जर्नलिस्ट। हाँ सर, आप फॉर्मर प्रिंसिपल है सर पी यू सी सी गुरुहर साहिब फिरोजपुर के जी। और मेरे ख्याल से सीनेट मेंबर भी हैं आप जी। ओके सर, मैं एक न्यूज कवर कर रहा था तो उसके लिए मुझे आपका वर्जन लेना था और ये मैं सारी बात रिकॉर्ड करूंगा सर जी। सर, जब आप गुरुहर साहिब में थे तो आपने आरटीआई में एक बात मेरे ख्याल से आपने कही है या मानी है कि वहां पर पॉलिटिकल साइंस का कोई टीचर नहीं था, क्लासेस भी नहीं लगी और अटेंडेंस भी नहीं लगी। नहीं, मैंने कोई इस तरीके की आरटीआई शायद मुझे ध्यान नहीं है। आरटीआई में आपकी बात नहीं है एक्चुअली, इस समय वहाँ पे प्रोफेसर सुनील खोसला हैं। नहीं नहीं सर, वो तो हैं, उनसे बात हुई है, वो कहते जी मुझे नहीं पता, पहले वालों से पूछो। तो जबकि मैंने आरटीआई भी पढ़ी थी एक, जो जिसमें जवाब आ रखा है भी पॉलिटिकल साइंस के टीचर भी नहीं है, क्लासेस भी नहीं लगी और अटेंडेंस भी नहीं लगी। तो मैंने सिर्फ आपसे एक बार मुझे कंफर्मेशन करनी थी और एक मेरा सवाल और था बस। सर, इज इट राइट? एक्चुअली आरटीआई में देखिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि मैं तो नॉट अपडेटेड राइट नाउ। चलिए चलिए, आप बता दीजिए, नहीं था आपके टेन्योर में वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का टीचर? एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का जो टीचर था उसके ये क्या था, कोर्ट केस था कोई जी, कोर्ट केस लिटिगेशन की वजह से टीचर को अपॉइंट कर भी नहीं सकते थे। ओके। दूसरे क्या नाम है, टीचर ना होने की सिचुएशन में बच्चों का जो स्टूडेंट के क्लासेस लेने वाली बात आप कर रहे हो जी जी जी, बिल्कुल। एक एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट में यह है कि बच्चों को सब्जेक्ट तो माना नहीं है जी, टीचर नहीं है जी, लेकिन यह है कि एडजस्टमेंट में सोशल साइंस का कोई भी टीचर है उसको भी एडिशनल दे देते थे, जैसे कि मेरा है मैं भी ले लेता, बट टीचर कोई भी नहीं था जी। सर, जो आप कह रहे हैं इन दैट केस अटेंडेंस नहीं, टीचर नहीं था तो अटेंडेंस नहीं लगी, तो पंजाबी अटेंडेंस बिल्कुल लगती है सर, जब टीचर नहीं है तो अटेंडेंस कैसे लगेगी? टीचर एक्चुअल मैं बता रहा हूँ आपको, एडजस्टमेंट होती है, जैसे कई टीचर हैं अगर कोई छुट्टी पे चला गया जी उस केस में एडजस्टमेंट ही होती है सर। लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस जब टीचर पढ़ाता ही नहीं है, पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ाएगा ना पॉलिटिकल साइंस? तो एक्चुअल यू आर एब्सोल्युटली राइट, पॉलिटिकल साइंस वाला ही पढ़ाएगा जी, बिल्कुल। ओके सर, कोई वायलेशन हुई है पीयू या यूजीसी की पॉलिसी की, कोई नॉर्म्स की कोई आपको लगता है? जैसे वैसे ठाकुर साहब आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ज्यादा पता होता है, लिटिगेशन होता है, कोर्ट का कोई मैटर आता है, उस सिचुएशन में कोई भी लॉयर जो भी है वायलॉज सारे के सारे बिकॉज ऑफ क्या नाम है लिटिगेशन, कोई नल एंड वॉइड नहीं होती। तो ये थे डॉक्टर एन आर शर्मा, फॉर्मर प्रिंसिपल पीयू कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज फिरोजपुर गुरुहर साहिब। सिंगला साहब, आप झूठ भी बोलते हैं, वो कह रहे हैं मैंने तो कोई आरटीआई दी नहीं, और आप कह रहे हो आरटीआई में जवाब दिया उन्होंने। आरटीआई में तो इन्होंने हर एक चीज का स्पष्ट जवाब दिया है, और जो इन्होंने बात भी की है उसमें काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ें कही हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि टीचर का केस चला हुआ है, मैटर लिटिगेशन है वो,
अगर मुझे यहाँ तक जानकारी है कि किसी टीचर को शायद निकाल दिया गया था, पॉलिटिकल साइंस के टीचर को, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी टीचर को निकाल दिया या किसी ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कोर्ट में 5, 7, 10 साल वो केस डिसाइड हो या ना हो, तो क्या पंजाब यूनिवर्सिटी को छूट मिल गई कि तब तक वो बिना टीचर रखे सब्जेक्ट की क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं? तो अगर कोर्ट में किसी टीचर का केस चल रहा है वो अलग मैटर है। सवाल ये है कि जब तक कॉलेज में एक भी टीचर पॉलिटिकल साइंस का नहीं था तो क्लासेस कैसे लगी? क्या यूनिवर्सिटी के पास अधिकार नहीं था कि ये टीचर रखते और क्लासेस कंडक्ट? उन्होंने कहा कि हमने एडजस्टमेंट की थी ना। नहीं, यहाँ तक है एडजस्टमेंट का, उसमें तो और भी हैरानी वाली बात है कि इन्होंने कहा कि हमने एडजस्टमेंट की थी। कई बार सोशल साइंसेस वाले टीचर भी क्लासेस लगा लेते हैं, उन्होंने खुद भी लगाई हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि एक स्कूल एजुकेशन है, एक हायर एजुकेशन है। हम किसी प्राइमरी, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात नहीं करते। यहाँ TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है जो सोशल साइंसेस का होता है, वो हिस्ट्री, पंजाबी, हिंदी ये क्लासेस लगा लेते हैं। पर यहाँ तक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी का संबंध है, यहाँ टीचर्स की अपॉइंटमेंट एज पर UGC रेगुलेशंस होती हैं, वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं। हिंदी का अलग होता है, सोशल साइंसेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी उनके अलग होते हैं, उनकी अलग क्वालिफिकेशंस है। तो UGC नियमों, पंजाब यूनिवर्सिटी के रूल्स या देश के किसी भी कानून के मुताबिक एक सोशल साइंसेस का टीचर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का या किसी भी सब्जेक्ट का हिंदी की क्लासेस नहीं लगा सकता। तो अगर ये कह रहे हैं कि हम ऐसे क्लासेस लगवा रहे हैं या लगवा सकते हैं या लगाई हैं, तो ये खुद ही मान रहे हैं कि कैसे इन्होंने सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है। सर, खिलवाड़ तो हो ही रहा है, सिस्टम से भी हो रहा है, नियमों से भी हो रहा है और बच्चों के भविष्य से भी हो रहा है। पर वायलेशन की जब मैंने बात की, अभी UGC की नॉर्म्स की किसी की वायलेशन हुई है या नहीं, गोलमोल सा करके जवाब तो दिया नहीं उन्होंने ढंग का। नहीं, वायलेशन का सवाल तो मैंने RTA में भी स्पष्ट पूछा था कि अगर टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, क्लासेस नहीं लगी और बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो क्या इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के या UGC के किसी नियम की उल्लंघना हुई है? और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि किसी भी किस्म की कोई वायलेशन नहीं हुई। कितनी हैरानी की बात है कि इनको पता है टीचर नहीं है, इन्होंने लिखा है कोई अटेंडेंस नहीं लगी, फिर भी पंजाब यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस 75% पूरी हो रही है और बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन ये तो कहते हैं एडजस्टमेंट किया है तो अटेंडेंस लगा दी होगी ना उन्होंने। अटेंडेंस तो लगा दी। अब हिंदी का टीचर नहीं है और स्टाफ वाले अटेंडेंस असेसमेंट लगा रहे हैं, और स्टाफ द्वारा लगाई गई असेसमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है, इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि नियमों की कोई उल्लंघना नहीं हुई है। और इसमें सबसे जो आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी सेनेट के मेंबर हैं। अगर ऐसे लोग जो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में कोई फ़र्क ही नहीं समझते, अगर ऐसे लोग जो समझते हैं कि कॉलेजेस में हिंदी, सोशल साइंसेस वाले भी पढ़ा सकते हैं, अगर वो लोग जो अपने ऑफिस से असेसमेंट लगवा के यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं, इन चीज़ों के बावजूद भी अगर वो कह रहे हैं उल्लंघना नहीं हुई, अगर ऐसे लोग पंजाब यूनिवर्सिटी को गवर्न कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम किधर जा रहा है। सिर्फ सिस्टम कहाँ जा रहा है ये तो सबको पता ही है ना। जो बीते दिनों हमारी तरफ से खबरें की गई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वहाँ हो रहे घोटालों से रिलेटेड, सबको पता है। लेकिन जैसे सतीश कुमार जी ने कहा था, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से भी पूछिए, पूछना बनता है। हाँ बिल्कुल, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डीन, कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल और रजिस्ट्रार, तीनों से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जवाबदेही बनती है कि आखिर बिना टीचर के ये एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हुए और कैसे ये सिस्टम चला हुआ है। इस बारे में हमारी बात हुई कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार वो भी ध्यान से जरूर सुनिए। हेलो, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाँ जी, जगत भूषण जी, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। हाँ जी सर। सर ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ मैं, जर्नलिस्ट चंडीगढ़ से ही, द खबरसार से। सर मुझे एक छोटा सा वर्जन आपका रिकॉर्ड करना है। सर बलाचार जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है और फिरोजपुर में गुरु हरसहाय में जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, फिरोजपुर वाले में पॉलिटिकल साइंस के टीचर जून 2022 से नहीं है और बलाचर वाले में हिंदी के टीचर नहीं है जून 2022 से। सर सब्जेक्ट की क्लासेस लगी नहीं, अटेंडेंस लगी नहीं, असेसमेंट लगी नहीं, तो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सर, वो किस पॉलिसी के तहत दे रहे हैं? देखो टीचर्स वाला आप कॉलेज ब्रांच से पता कीजिए, हमें नहीं मालूम होता किस कॉलेज में कितने टीचर्स हैं कितने नहीं है। एलिजिबिलिटी रिपोर्ट कॉलेज बना के भेजता है हमारे पास। सर अगर ये ऐसे फॉर्ज और फेक डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, क्योंकि अगर क्लास लगी नहीं है, अटेंडेंस कैसे लगी है? आप डीन कॉलेजेस से पता कर सकते हैं इंक्वायरी।
नहीं सर, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर टीचर ही नहीं है, क्लासेस ना लगी हैं, तो क्या एग्जाम कंडक्ट हो सकता है सर? फिर उसका हमारे पास एलिजिबिलिटी रिपोर्ट कॉलेज भेजता है। तो भेजी हुई है उन्होंने? भेजी होगी तभी एग्जाम हो रहे हैं। तो सर ये क्रॉस चेक नहीं किया जाता भी वाकई वहाँ पे टीचर है या नहीं है, या तो फेक एंड फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के जो भेजे जा रहे हैं, ये तो फिर गलत है सर। ये आप प्लीज ना डीन कॉलेजेस से पता कीजिए, हम उनके स्टाफ का डेटा हम वेरीफाई नहीं करते। आपके नॉलेज में ये बात थी भी क्लासेस नहीं लगी वहाँ पे? नहीं जी नहीं सर, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, क्या आप इसको वेरीफाई करेंगे सर? आप मेरे को मेल पे भिजवा दी, आप मेल पे भिजवा दीजिए राइट नाउ। सर आपके सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, आज खबरें भी लगी हुई हैं। मेरे पास कोई खबर नहीं ऐसे वाली पहुंची, फिर भी आप मैं आपको मेल भिजवाता हूं सर। तो ये थे पंजाब यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जगत भूषण जी। सिंगला साहब आपने भी सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है? देखो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इन्होंने अगर एग्जाम लिए हैं तो उसके लिए 75% अटेंडेंस की शर्तें पूरी की गई होगी और प्रिंसिपल द्वारा इनको रिकॉर्ड भेजे गए होंगी, असेसमेंट भी लगाई गई होगी, असेसमेंट भी लगाई होगी। अब वो अटेंडेंस के रिकॉर्ड असली हैं नकली हैं वो इन्होंने नहीं बताया, पर दूसरी तरफ दोनों ही प्रिंसिपल्स ने ये आरटीए में स्पष्ट कर दिया कि ना टीचर था ना अटेंडेंस लगाई गई। तो इन दोनों को अगर कोरिलेट किया जाए तो स्पष्ट है कि वहाँ क्लासेस नहीं लगी, अटेंडेंस नहीं लगी, और यहाँ अटेंडेंस पहुँची जिसके बेस पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। तो वो अटेंडेंस किसने लगाई, कैसे बनाई गई, इसकी ये इंक्वायरी का मामला है, इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। चलो इंक्वायरी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमारी बात ज़रूर हुई है डीसी संजय कौशिक जी से, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार वो भी ज़रूर सुनिए। हाँ एक बात और, ये बात हमारी हुई थी तकरीबन 20 से 25 दिन पहले, तब उन्होंने क्या कहा था वो एक बार ज़रूर सुनिए। हेलो हेलो, हाँ जी प्रोफेसर संजय कौशिक जी, जी। सर ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ मैं, जर्नलिस्ट द खबरसार से चंडीगढ़ से। कैसे हैं सर? जी जी बढ़िया जी बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। सर मैं 2 मिनट आपसे बात करनी थी मुझे, मैं एक न्यूज़ कवर कर रहा था उसके रिगार्डिंग। हाँ जी हाँ जी बोलो प्लीज। हाँ जी हाँ जी सर, मैं आपकी बात रिकॉर्ड करूंगा। ये सर पंजाब यूनिवर्सिटी के रूल के मुताबिक जैसा किसी भी बच्चे की अगर अटेंडेंस 75% से कम हो तो रेगुलर डिग्री उसको नहीं दी जाती मेरे ख्याल से। किसी भी बच्चे की 75% से कम हो जी एग्जाम नहीं दे सकता वो, मेरी जानकारी के मुताबिक, क्या मैं ठीक हूँ? उसमें कुछ आपको पता ही होगा उसमें प्रोविजन है ना, कि कुछ चेयरपर्सन के पास होती है पावर और कुछ उसके बाद वाइस चांसलर के पास होती है ना, करते करते। चलो चलो एक्सेप्शनल हो गया मतलब, लेकिन क्लासेस लगाना जरूरी है, क्लासेस लगनी जरूरी है रेगुलर डिग्री के लिए। हाँ, 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 जी, हाँ जी, जी। तो सर मेरा सवाल ये है, मेरे ध्यान में 2 कॉलेज आए हैं, एक तो पीयू कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बलाचौर और एक पीयू कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज गुरु हरसहाय फिरोजपुर, जहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स के टीचर ही नहीं है, बलाचौर वाले में हिंदी और फिरोजपुर वाले में पॉलिटिकल साइंस के, और ये जून 2022 से ही नहीं है, मतलब एक एकेडमिक सेशन तो चला गया, दूसरा खत्म होने वाला है। तो अगर क्लासेस लगी ही नहीं तो वह असेसमेंट कैसे लगी बच्चों की और डिग्रीज कैसे दी गई? मैं समझा नहीं, बलाचौर कॉलेज के अंदर और एक कॉलेज मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है उसकी बात कर रहे हैं ना आप? यस यस सर। हाँ मैं समझ गया जी सर। इसमें क्या हुआ, क्या कह रहे हैं आप? सर वहाँ पर रेगुलर टीचर ही नहीं है जून 2022 से लेकर अब तक, बलाचौर वाले कॉलेज में हिंदी के ओके, और फिरोजपुर वाले कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के। तो सर अगर बच्चे के अटेंडेंस 75% जरूरी है जब टीचर ही नहीं, तो अटेंडेंस कैसे लगी, वो क्लास कैसे लगी, असेसमेंट कैसे लगी? नहीं नहीं मैं वही पूछना, देखो ये तो आप कह रहे हो जी, लेकिन नेचुरल आप भी किसी बेसिस के ऊपर ही कह रहे होंगे है ना? डेफिनेटली सर। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हो कि जी वहाँ मतलब टीचर है ही नहीं जी, तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई वहाँ गेस्ट फैकल्टी ने कुछ किसी ने पढ़ाया होगा। कोई नहीं है सर, कोई नहीं है, मेरी जितनी जानकारी है एक भी टीचर बलाचौर में हिंदी के लिए नहीं है और फिरोजपुर वाले कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं है। बलाचौर में हिंदी नहीं है, फिरोजपुर में पॉलिटिकल साइंस नहीं है? पॉलिटिकल साइंस यस सर जी। कोई नहीं, ये तो मैं समझ गया आपने जो बात कही है जी, है ना, आप इसको देख भी लेंगे क्योंकि जो आप कह रहे हो मतलब कॉलेजेस के खिलाफ एक्चुअली ये जो है ना, जैसे मतलब हमारी नॉलेज में तो आप ही से पहली बार ही आ रही है बाई चांस, किसी ने ना बात, हाँ हाँ ना किसी ने बात की ना कुछ, तो आपके थ्रू पहली बार ही आ रही है, तो आप देख लेंगे क्या एग्जैक्ट क्या वो है। तो इसे डीसी संजय कौशिक जी, इन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं, ये भी कहा कि मेरे पास कोई लिखित शिकायत नहीं पहुंची। तो हमने कहा चलिए ठीक है, हमने आपको बता दिया, आप देखिए। तो उन्होंने कहा मुझे समय दीजिए थोड़ा और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो हमने 20
से 25 दिन के बाद जब इनको दोबारा फ़ोन किया, फिर सर ने फ़ोन उठाए ही नहीं। हमने एक फ़ोन नहीं किया, हमने कई फ़ोन किए, पर इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। सिंगला सर उनको पता नहीं था, हमने बताया भी, पर डीसी संजय कौशिक जी ने वापस फ़ोन उठाए ही नहीं। तो किया क्या चाहे, मतलब कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं। नहीं, वो तो समझा जा सकता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेवारी नहीं, जितने घपले और घोटाले हो रहे हैं यूनिवर्सिटी की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं, पब्लिक की ही जिम्मेवार है कि वो सारे निकाले आरटीएसी या किसी भी तरीके से और इनको लिखती तौर पर बताए कि ये घोटाले हो रहे हैं। इसीलिए मैंने इसकी शिकायत डाल दी है पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर को और यूजीसी को, क्योंकि यूजीसी रेगुलेशंस 2003 है जिसके तहत ये ज़रूरी है कि 180 दिन क्लासें लगाई जाएं और 75% अटेंडेंस हो, क्योंकि इनकी वायलेशन हुई है, इसलिए मैंने यूजीसी को शिकायत डाल दी है। दूसरा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन तो पंजाब यूनिवर्सिटी कर रही है, लेकिन इनको पूरा जो फंड है वो पंजाब सरकार दे रही है, इसलिए मैंने पंजाब सरकार को भी शिकायत की कॉपी भेजी है कि देखा जाए कि जब इनको पूरा फंड आ रहा है, टीचर्स की सैलरी मिल रही है, तो ये बिना टीचर्स लगाए कोर्सेज कंडक्ट क्यों कर रहे हैं। अब वो तो जब फिर जवाब आएगा तभी पता चलेगा कि क्या कार्रवाई हुई। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरटीए एक्टिविस्ट डॉक्टर आर के सिंगला जी। देखिए, मामला बेहद गंभीर है और इस मामले की गंभीरता तब और भी बढ़ जाती है जब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो रहे घपले घोटालों को आरटीआई के माध्यम से उजागर किया जाए, पर फिर भी बेशर्मी की सभी हदें पार करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी उन घपले और घोटालों पर चुप्पी साध कर बैठे रहें। पर हाँ, यहाँ एक बात कहनी ज़रूर बनती है कि अगर घपले और घोटालों को छुपाने के लिए जद्दोजहद करने का कोई अवार्ड होता तो वो अवार्ड पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारियों को ही जाता। बेशर्मी की सभी हदें पार की हुई हैं, जवाब देकर कोई राज़ी नहीं और किसी को भी किसी घोटाले किसी घपले के बारे में पता ही नहीं होता। खैर, अब बच्चे भी सोच रहे होंगे कि हमारे लिए तो 75% अटेंडेंस इन्होंने अनिवार्य की है, पर जब खुद ही टीचर नहीं रखते, क्लासेस नहीं लगती और असेसमेंट किसी सब्जेक्ट की पता नहीं कौन लगाकर भेज रहा है, तो ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है इसकी जवाबदेही किसकी बनेगी। खैर, शिकायतें गई हैं, अब आगे क्या होगा ये हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबर सा, चंडीगढ़।